3 फरवरी है और आपको मालूम है जैसा कि ओवैसी साहब लगातार उत्तर प्रदेश के शहर शहर और नगर नगर जाकर अपनी पार्टी के प्रचार प्रसार में लगे हुए हैं। आज डासना मसूरी के अंदर ओवैसी साहब जब टोल पर से गुजर रहे थे तो वहां पर उनकी कार के ऊपर फायरिंग की गई, तकरीबन 4 राउंड गोली फायरिंग की गई, जिसको ओवैसी साहब ने ट्वीट करके जानकारी दी है और अपनी कार का एक फोटो भी शेयर किया है जिसमें आप देख सकते हैं स्क्रीन पर गोलियां लगी हुई हैं, गोलियों के निशान साफ नजर आ रहे हैं। गोली टायर में लगने की वजह से टायर पंचर हो गया। ओवैसी साहब ने ट्वीट करते हुए लिखा है कि वो दूसरी कार में बैठकर वहां से रवाना हुए और जो लोग आए थे उनके बारे में जानकारी देते हुए बताया है कि तकरीबन 3-4 लोग थे, वो सभी जो हथियार लेकर आए थे वहीं पर छोड़कर भाग गए हैं। और इसमें सबसे अच्छी बात यह है कि अल्हम्दुलिल्लाह ओवैसी साहब जो हैं वो खैर और आफियत से हैं, किसी तरह का कोई जानी माली नुकसान नहीं हुआ है। आप लोग दुआ करिए ओवैसी साहब के लिए, अल्लाह ताला उनको सलामत रखे। ये एक बहुत जरूरी खबर थी जो आप लोगों तक पहुंचानी थी। इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, लोगों के मैसेजेस आ रहे हैं, पूछ रहे हैं कि क्या ये खबर सही है या नहीं। अब तो ओवैसी साहब ने खुद अपने ट्विटर अकाउंट से ट्वीट करके जानकारी दी है, फोटो भी शेयर किया है, तो आप लोगों तक पहुंचा रहा हूं। इसको शेयर कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम।